हेलो टू एवरीवन, आज हम एक ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो 1965 में एस्टेब्लिश हुई थी। तीन कैंपसेस हैं, नाम है अलगोमा यूनिवर्सिटी। हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट की तरफ से, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताओ, इनका वीज़ा सक्सेस रेशो क्या है उसके बारे में बताओ। सो अलगोमा यूनिवर्सिटी में दोनों डिग्रीज हैं, अंडरग्रेड डिग्रीज भी हैं एंड दे हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज आल्सो। सो अगर अंडरग्रेड डिग्री की बात करें तो 3 साल की और 4 साल की दोनों डिग्रीज अवेलेबल है। सो अंडरग्रेड डिग्री के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी ओवरऑल 60%, नॉट लेस देन इंडिविजुअल, डजंट मैटर अगर आपके 51 मार्क्स भी हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बिजनेस में, एक भी किसी भी कोर्स में कोई मैटर नहीं करता, ओवरऑल 60% होने चाहिए आपके। दूसरा आइल्स ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 6। पीटी की बात करें ओवरऑल 60 स्कोर, सो पीटी में ओवरऑल 60 स्कोर होने चाहिए आपके। डिग्री के लिए आप बोलोगे कि मैम ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6, यस अलगोमा यूनिवर्सिटी ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6 पे आपको अंडरग्रेड डिग्री में एडमिशन देती है। सो अगर हम इनके प्रोग्राम्स की बात करें बिजनेस बैकग्राउंड के लिए, दे हैव अ वेरी गुड स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, एचआर की, जर्नल बिजनेस, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए पोल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जर्नल आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस की डिग्री इनके पास अवेलेबल है, साइंस बैकग्राउंड के लिए बायोलॉजी की डिग्री अवेलेबल है। अगर हम पीजी की बात करें अब तो पीजी में इनके पास एचआर, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दीज आर द स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पीजी लेवल पे इनके पास अवेलेबल है। और अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट की बात करें एकेडमिक रिक्वायरमेंट की तो ओवरऑल 55% चाहिए, आईएलटीएस ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6, PTE ओवरऑल 60। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स बोथ। दे हैव अ वेरी गुड स्कॉलरशिप्स, स्टूडेंट्स का अगर किसी परसेंटेज पे फॉर एग्जांपल 60-70% है तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप है, 70-80% है तो कुछ स्कॉलरशिप्स उनके लिए हैं। सो दे हैव 6,000-10,000 डॉलर तक उनके पास स्कॉलरशिप्स हैं। अगर हम इनकी एडमिशन की बात करें तो 10-15 डेज में आपका जो ऑफर लेटर टाइम पीरियड है आने का वो 10-15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, आपकी कोई कंडीशनल अगर ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हो, यस यू कैन अप्लाई फॉर कंडीशनल ऑफर लेटर। फॉर एग्जाम्पल अब कोई बच्चा 12th में है, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप प्रेडिक्टिव स्कोर के साथ भी अपना अप्लाई कर सकते हो। कोई डिग्री कर रहा है, बैचलर डिग्री कर रहा है, डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में है, 5 सेमेस्टर की DMCs प्रोवाइड करके आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इनके कैंपसेस की बात करें तो 3 कैंपस मैंने आपको बताए हैं, ब्रैम्पटन कैंपस, टिमिन्स कैंपस, सेंट मैरी कैंपस। सो ब्रैम्पटन कैंपस बहुत पॉपुलर कैंपस है, सारे स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है। सो अगर मैं टिमिन्स और सो अमेरिका कैंपस की बात करूं, ये RNIP के अंडर आते हैं, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इट इज डिजाइन फॉर फॉरेन स्टूडेंट स्किल्ड वर्कर के लिए है जो एक पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज में एडमिशन लेते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां पे अपना कोर्स कंप्लीट करके हु वॉन्ट्स टू वर्क एंड लिव इन वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज। प्रोसेस बहुत इनका ईजी है, आप कोर्स कंप्लीट करते हो, वंस यू गेट द जॉब ऑफर लेटर, आप रिकमेंडेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल देते हो, वंस द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज रिकमेंड्स यू, यू कैन स्ट्रेट अवे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर जैसे ब्रैम्पटन टोरंटो एक बहुत पॉपुलर एरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, इतना यू नो फाइल्स वहाँ पे, आप जब भी PR की लगाओगे तो आपकी फाइल्स यू नो उसी रेशो में जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो जो RNIP के अंडर आते हैं तो आपके लिए PR के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, आपकी सेटलमेंट, आपका यू नो फी स्ट्रक्चर उस हिसाब से यू नो मैटर करता है, आपकी फी स्ट्रक्चर कम हो जाता है, आपकी PR सेटलमेंट ईजी हो जाती है, आपकी एडमिशन ईजी हो जाती है। सो मैं रिकमेंड करूंगी जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ तो ये सारी लोकेशंस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के लगाओ। अगर हम फीस की बात करें तो बहुत रीजनेबल फीस है, $16,000 से लेके $21,000 तक फीस है। इनका इनटेक अगर देखें तो सितंबर इनटेक अपकमिंग इनटेक है जिसके लिए अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद जैन 24 आ जाएगा। अगर आप अलगोमा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, इनके RNIP के अंडर जो कैंपसेज आते हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप जितनी जल्दी हो सके सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर लो, चाहे वो कंडीशनल हो,
आपकी कंडीशन बाद में भी फुलफिल हो सकती है, पहले आपकी सीट रिजर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे पास 3-4 केसेस थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स आए, यू नो कॉलेजेस से एक या दो बार रिफ्यूज हो चुके थे, हमने एल्गोमा यूनिवर्सिटी में उनको अच्छे प्रोग्राम के लिए उनकी रेलिवेंसी के हिसाब से उनके प्रोग्राम्स में अप्लाई करवाया एंड दे गॉट दी वीजा। सो पहला केस है हमारे पास, एक बच्चे ने करा था बीए इकोनॉमिक्स, उसके पास जो कोर्सेज थे इकोनॉमिक्स था, पोल साइंस थी उसके पास, एंड ही गॉट रिफ्यूज्ड 2 times फ्रॉम वन ऑफ द वेरी रिप्यूटेड कॉलेज। IBM के लिए अप्लाई करा था, जब वो हमारे पास प्रोफाइल आई, हमने सारा कुछ चीज़ें देखी, इकोनॉमिक्स रखा है बच्चे ने, पोल साइंस रखा है, हमने उसके एल्गोमा यूनिवर्सिटी में HRM प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा एंड ही गॉट दी वीजा फॉर सितंबर 23 इनटेक। दूसरा केस है हमारे पास 12th नॉन मेडिकल, बच्चे के ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी थी, मैथ्स में उसके 50% थे, तो हमने उसका कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कराया डिग्री प्रोग्राम के लिए, 3 ईयर की डिग्री प्रोग्राम के लिए ब्रैम्पटन कैंपस में, एंड ही गॉट दी वीजा फॉर सितंबर 23। तीसरा हमारे पास केस आया था बीकॉम एलएलबी का, 2022 पास आउट स्टूडेंट। अब इस प्रोग्राम में बच्चे ने बीकॉम करी है प्लस एलएलबी करी है, इसके लिए हम कौन सा कोर्स इसको दे सकते थे, वेरी गुड परसेंटेज, 77% ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 वैन, एंड जब हमने इसका सारा देखा तो HRM कोर्स इसके लिए बेस्ट फिट हमें लगा, सो HRM कोर्स के लिए हमने अप्लाई करा एंड She got the visa. So these are the cases जो मैंने आपसे 3-4 cases discuss करे हैं। अब आपका भी case वैसा हो सकता है, आप भी apply कर सकते हो Algoma University में। Algoma University में apply करने के लिए ESS को contact करो, we have exclusive seats for Algoma University।